तो अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है इस्लामिक अल्फाज और इनका इंग्लिश तर्जुमा। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है वजू। वजू को इंग्लिश में पढ़ेंगे एब्लूशन, एब्लूशन। तस्बीह को इंग्लिश में पढ़ेंगे रोजरी, रोजरी। और खैरात को, खैरात को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे आल्म्स, आल्म्स। कयामत को इंग्लिश में पढ़ेंगे एपोकलिप्स, एपोकलिप्स। नमाज अदा करने को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑफर प्रेयर, ऑफर प्रेयर। सो अब हमारे पास है वाजिब। वाजिब को हम इंग्लिश में कहेंगे कंपल्सरी, कंपल्सरी। और शैतान को हम इंग्लिश में कहेंगे डेविल, डेविल। हिजरत को एक्सोडस, एक्सोडस। काफिर, काफिर को इंग्लिश में कहेंगे इनफिडल, इनफिडल। इस्तेकामत को इंग्लिश में कहेंगे फर्मनेस, फर्मनेस। तो अब हमारे पास जो वर्ड है वो है फराखिदिल। फराखिदिल को इंग्लिश में कहेंगे जेनरस, जेनरस। रुकू को इंग्लिश में कहेंगे जेनफ्लेक्शन, जेनफ्लेक्शन। इंसानियत को इंग्लिश में हम कहेंगे ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। बैत को इंग्लिश में कहेंगे इनिशिएशन, इनिशिएशन। हिजरत को हम कहेंगे मैग्रेशन, मैग। तो अब हमारे पास है मुखलिस। मुखलिस को इंग्लिश में कहेंगे सेंसर, सेंसर। और इसके बाद तहज्जुद, तहज्जुद को हम इंग्लिश में कहेंगे विजिल, विजिल। अयादत को इंग्लिश में कहेंगे विजिटिंग द सिक, विजिटिंग द सिक। जिक्र को इंग्लिश में कहेंगे रेक्टो, रेक्टो। अब है हमारे पास फाइव लास्ट वर्ड। फाइव लास्ट वर्ड में से सबसे पहले जो वर्ड है वो है मौजा। मौजे को इंग्लिश में कहेंगे मेरिकल, मेरिकल। फर्ज नमाज को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। अजर देने को इंग्लिश में कहेंगे रिकम्पेंस, रिकम्पेंस, रिकम्पेंस। जिक्र को इंग्लिश में कहेंगे रिकिटल, रिकिटल, रिकिटल। तिलावत को इंग्लिश में कहेंगे रिकिटेशन, रिकिटेशन, रिकिटेशन। तो डियर्स, कैसी लगी मेरी क्लास? ऐसे ही अमेजिंग वर्ड्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे अमेजिंग वर्ड्स आते ही रहेंगे और सेंटेंस भी आते रहेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे ग्रामर भी सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। सो Thank you.
तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, इसको हम यूं कहेंगे इंग्लिश में, इफ यू आस्क मी, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, कभी नहीं, नो नेवर, जैसे मैं उसे देखता हूं, द वे आई सी इट, बहुत अच्छे, वेरी वेल, तुम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, मुझे आपका ख्याल है, आई केयर अबाउट यू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ले लो, टेक इट, खुद ही जाओ, गो योर सेल्फ, इसे जारी रखें, कीप इट अप, इत्तेफाक से, बाय चांस, यहां रुको, स्टॉप हेयर, बहुत अच्छे, वेरी वेल, पहली बार, फर्स्ट टाइम, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मशीन चलाएं, ऑपरेट द मशीन, ये सब आपका है, इट्स ऑल योर्स, होशियार ना बनो, डोंट बी स्मार्ट, मुझे आपको भेजना है, आई शुड सेंड यू, उसे ये बहुत पसंद है, ही लाइक्स इट वेरी मच, लेट जाना, लेट डाउन, इसे मजबूती से पकड़ो, होल्ड इट फर्मली, लड़ो मत, डोंट फाइट, वक्त खत्म, टाइम्स अप, आपका गुस्सा जायज है, Your anger is justified. ये कैसे मुमकिन है? How is it possible? एक बार फिर सोचें. Think once again. वो बहुत परेशान कुन है. He is very annoying. क्या करना है? What to do? तन्हा रहो. Be alone. मैंने उसका घर देखा. I saw her home. मुझे ये मालूम नहीं था. I didn't know that. मेरा पीछा छोड़ दो. Get off my back. हम सब खुश हैं. All of us are happy. जी फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास. उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.